नमस्कार, मैं रितिका तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हमारे साथ मौजूद है एनसॉल्स क्रिएशन की को फाउंडर। एजुटेक में काम करते हैं और जिसमें हम लोग बेसिकली बच्चे जो भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये हमारी एनसॉल्स क्रिएशन इस तरीके के DIY किट्स भी डिज़ाइन करती है जिसमें बच्चे कुछ फन प्ले और लर्निंग भी कर सकें, क्योंकि बेसिकली बच्चे मार्केट से बहुत सारे खिलौने सारी चीज़ें खरीदते हैं बट दे डोंट थिंक कि वो उसको बनाए कैसे जाए या उसके साथ कुछ लर्निंग हो पाए, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमारे काम करते हैं। और हम लोग ये सारी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, स्पेशली AR VR टेक्नोलॉजी हमारा मेन पार्ट रहेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं जनरली उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन उनके कभी क्लियर हो ही नहीं पाते, बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड्स में ही रह जाते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी 4-stroke इंजन या 2-stroke इंजन किस तरीके से एक्चुअल में काम करता है। वो थ्योरी में पढ़ रहे हैं पर वो फील नहीं कर पा रहे, या वो वीडियो देख लेते हैं पर वो इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उससे, तो उनको कंप्लीट इंटरेक्शन देने का काम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम करा पा रहे हैं और जिसको हम AR VR के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, तो जिससे बच्चा खुद इंटरेक्ट हो पा रहा है उस कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो अपने ही क्वेश्चन को एक तरीके से अपने ही चीज़ों को आंसर कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और इसीलिए इस कंपनी का नाम एनसॉल्स क्रिएशन पड़ा है जिसका नाम है आंसर योर ऑन जीरो। नई टेक्नोलॉजी से लोगों को मतलब लर्न कराना है चीज़ों को, तो ये जो विजन है आपको कब आया था और कैसे आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम जो हमारा जो एकेडमिक से है, हमारा जो टीचिंग का पार्ट है बेसिकली बहुत ही बायस्ड है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट को हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिकल के नाम पे जो हमारे बहुत मेरे समय से, मतलब मैं अपने टाइम की बात करूँ तो 10-20 ईयर्स पहले भी वही प्रैक्टिकल होते थे, या मैं 30 ईयर्स भी बोल सकती हूँ, यहाँ पे तो वही स्टैंडर्ड 10-12 प्रैक्टिकल बच्चे करते थे और आज भी वही शायद प्रैक्टिकल्स होते थे, तो जो 80-90% जो उनका थ्योरेटिकल पार्ट था वो थ्योरी पर ही ख़त्म हो जा रहा था, तो उस पर एक फोकस गया था हम सारी टीम का। कहीं ना कहीं हमारा एक डिस्कशन में आया था कि एक बड़ा बहुत बड़ा लूप होल है हमारे एकेडमिक्स में या बच्चों के पढ़ाई में जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं, और उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का एक बोलना चाहिए सेम प्लेटफॉर्म पे लाके इस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो ये कंपनी हमने स्टार्ट किस कब किया, कितने साल हो गए? हाँ, ये 2019 में हमने इसकी एक नींव रखी थी और 2019 से अभी तक हम लोगों ने काफ़ी ऑलमोस्ट नॉट हेयर ऑनली इन भोपाल बट हमने बहुत सारे स्टेट्स कवर किए हुए हैं, जिसमें स्पेशली मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कोरोना के समय जब बहुत सारे कंपनियां बंद हो चुकी थी या काम नहीं था लोगों के पास, उस समय जब बच्चे भी पूरा डिजिटल मोड में ही बस स्कूल की एक दो क्लासेस लेते थे, उस समय भी हम लोगों ने पूरा ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म शिफ्ट करा था और हमने ऑलमोस्ट अभी तक 15,000 स्टूडेंट को ट्रेन कर चुके थ्रू आउट इंडिया, इसमें मध्य प्रदेश से लेके UP से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके हमने NCR और मेट्रो सिटीज के बैंगलोर इवन साउथ इंडिया तक हमने कवर किया हुआ है। और ये कंपनी डे बाय डे नई नई चीज़ों पे हम लोग फोकस करते जा रहे हैं जो हम बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी, लर्निंग फन है प्ले के साथ लाना चाह रहे हैं हम लोग। कौन जुड़ा हुआ है, कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? कोर मेंबर्स जो है हमारे वो 5 हैं बेसिकली, और इसके अलावा जो हमारी एक्सटेंडेड टीम की बात करूँ तो हमारे ऑलमोस्ट 17 टोटल टीम मेंबर्स है। जो हम 5 मेंबर्स की कोर टीम है वो भोपाल में बैठ हुई है और कुछ हमारी जो टीम मेंबर्स है वो दिल्ली से हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर साइड पे पूरा डेवलपमेंट का वर्क देख रहे हैं, और जो हार्डवेयर जो टेक्निकल पार्ट जो हार्डवेयर का इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे इंदौर की टीम देख। तो जैसे अभी आपका इतना अच्छा विजन है इस चीज़ को लेकर, आपका फ्यूचर विजन क्या है, मतलब अपनी कंपनी को लेकर क्या आगे का सोचती हैं? फ्यूचर विजन तो ये है कि जब भी बच्चा अगर अपने किसी भी क्वेश्चंस को लेके एक डाउट रखता है कि ये चीज़ कैसे होती है, तो उसके पास एक वन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन होना चाहिए, दैट इज़ एनसॉल्स क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो वो हम बनाने की कोशिश करना चाहते हैं कि अगर बच्चे के पास अपनी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, और वो बच्चा कोई भी हो सकता है, लाइक वो एक 5 ईयर्स का स्टूडेंट भी हो सकता है और एक PhD का भी स्टूडेंट हो सकता है, तो हम वो कैटेगरी कवर करना चाह रहे हैं कि 5 ईयर्स टू एक रिसर्च स्कॉलर का, उनके कोई भी डाउट आ रहे हैं तो उनके पास एक सोल्यूशन आना चाहिए। जैसे
एनसॉस क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड। अपना प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में किसके को इन्वॉल्व किया गया है, क्या क्या किट है आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, एक इम्प्लीमेंटेशन हम बात कर रही हूँ मैं बार बार की, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए कि हमारी बेसिक किट है, मैं दिखाना चाहूँगी कि अगर बच्चा आज कोई भी चीज़ मार्केट से खरीद रहा है, वो सीधे उसको खेल रहा है या उसको प्ले कर रहा है, बट उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बच्चे जानना तो चाहते हैं पर बना नहीं पा रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए जो रिसोर्सेज है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, इस प्लेटफॉर्म से उनको पूरा हम अवेलेबल करा देते हैं। प्लस इसके बाद आप ये दे सकते हैं, इसमें एक मैनुअल भी रहती है जिसमें बच्चों को सारी डिटेल दी जाती है, जो भी पर्टिकुलर किट होती है उससे करस्पॉन्डेंस उनकी एक मैनुअल्स होती है, तो उसमें उनको सारी डिटेल मिल जाएगी और उसमें जितना भी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो इस तरीके से होती है।